गाय के आते ही शोरूम का दरवाजा खोल देता है मालिक, गद्दी पर बैठकर देती है माँ जैसा दुलार। देखिए इंसान और गौ माता का अद्भुत प्यार। शोरूम में गाय की एंट्री का वीडियो तो आपने देखा होगा, लेकिन बिजनेसमैन के घर पर थाली में भोजन करने वाली तस्वीरें नहीं देखी होंगी। खुद दुकान मालिक ने अब बताई वो सच्चाई जिससे अब तक लोग अनजान थे। नहाने से लेकर सोने तक का इंतजाम दुकान में ही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक गाय और कपड़ा व्यापारी का अद्भुत प्यार वायरल हो रहा है। किसी और शहर में शायद ही ऐसा कोई प्यार देखने को मिलता हो। रायपुर के एक कपड़ा व्यापारी और गाय का प्यार सोशल मीडिया पर अब जमकर शेयर किया जा रहा है। हर दिन शोरूम खुलने के बाद ये गाय यहाँ पहुँचती है। गाय को देखते ही कपड़ा व्यापारी शोरूम का गेट खुलवा देता है, जिसके बाद गौ माता व्यापारी की गद्दी पर बैठती है। गद्दी पर बैठने के बाद व्यापारी को चूमती है, साथ ही दुलार करती है, और ये सिलसिला हर दिन यूं ही चलता रहता है। गाय और व्यापारी के बीच का ये अटूट प्यार एक दिन का नहीं, बल्कि ये सिलसिला 7 सालों से लगातार चल रहा है। शोरूम के मालिक गौ माता को प्यार से चंद्रमणि बुलाते हैं। उसके साथ उसका बछड़ा चंद्रभान भी रोज आता है, लेकिन वो बाहर रहकर ही अपनी माँ का इंतजार करता है, कभी दुकान के अंदर नहीं आता। चलिए इस गाय की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं और फिर ये भी बताएंगे कि किस तरह घर पर ले जाकर व्यापारी इस गौ माता के साथ बैठकर भोजन भी करता है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महालक्ष्मी क्लॉथ मार्केट है। यहीं पर स्थित एक शोरूम में हर दिन ये गाय दस्तक देती है। ये दुकान गौ सेवक पदम डाकलिया की है। पदम डाकलिया जितना गाय को मानते हैं उतना ही गौ माता भी इन्हें प्यार करती है। पदम डाकलिया की फैमिली एक जैन परिवार है और उनके संस्कार शुरू से ही जीव रक्षा और गौ प्रेम के प्रति रहे हैं। पदम डाकलिया का कहना है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गौ माता भी हम सभी की सेवा ही तो कर रही है, हमारे बच्चों को दूध देती है। इसीलिए हमारे परिवार ने गौशाला शुरू की है। वहाँ दूध देने वाली गाय नहीं है, हम गौ मूत्र से सिर्फ फर्टिलाइजर बनाते हैं। गाय में माँ लक्ष्मी बसती है। मैं इसीलिए पूरी दुनिया से अपील करता हूँ कि गाय की सेवा जरूर करें। पदम डाकलिया की माने तो गाय पहली बार साल 2016 में धनतेरस के दिन उनके दुकान के अंदर आई थी। उस दौरान उसे देखकर वहाँ के स्टाफ घबराकर उसे भगाने लगे थे, लेकिन उन्होंने इसे ईश्वर का शुभ संकेत माना और उसे दुकान के अंदर स्थान दिया। उसी दिन से आज तक ये गाय प्रतिदिन दुकान के अंदर आती है और ये सिलसिला लगातार बरकरार है। वो बताते हैं कि गाय को सेब इतना पसंद है कि लोग इसे अब एप्पल वाली गाय कहने लगे हैं। गाय को भारत में माता कहकर पुकारा जाता है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में गौ माता को माता के बराबर ही दर्जा देते हैं और गाय की सेवा का मौका लगातार खोजते रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गाय केवल दूध के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि गौमूत्र और गोबर के साथ साथ गाय की पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो बताते हैं कि मेरा वीडियो भले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो, लेकिन मैंने अब भी एक राज को राज बनाकर रखा है, और वो राज ये है कि ये गौ माता न सिर्फ मेरी दुकान पर बल्कि मेरे घर पर भी दस्तक देती है। और जब भी मैं घर पर भोजन के लिए पहुंचता हूं, तो दरवाजे पर गौ माता को पाता हूं। मेरी थाली के साथ गौ माता की एक थाली लगाई जाती है, जिसमें वो बाकायदा रोटी और भोजन ग्रहण करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।